रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन औकात में नमाज पढ़ने और मुर्दों को दफन करने से मना फरमाया। नंबर एक, तुलू आफ्ताब के वक्त हत्ता के बुलंद हो जाए। नंबर दो, जब सूरज दोपहर के वक्त ऐन सर पर हो हत्ता के ढल जाए। और नंबर तीन, गुरूब आफ्ताब के वक्त हत्ता के गुरूब हो जाए। यानी जिन औकात में नमाज पढ़ना मना है उन्हीं में दफनाना भी। इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नमाज जनाजा नमाज फजर और नमाज असर के बाद अदा की जा सकती है। यानी फजर की नमाज पढ़ के साथ ही जनाजा पढ़ा जा सकता है, हरम में आमतौर पर ऐसे होता है। इसी तरह असर की नमाज के बाद बाज़ुकत जनाजा पढ़ा जाता है। आम नमाज बना है लेकिन जनाजे की नमाज पढ़ी जा सकती है। कब्र गहरी खोदें, उसे हमवार और साफ रखें, मैयत को पांव की तरफ से कब्र में दाखिल करें। मैयत को कब्र में रखते हुए ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि वाला मिल्लति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नाम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब और तरीके पर इसे दफन करते हैं। साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु ने वसीयत की कि मेरे लिए लहद बनाना। लहद क्या होता है? बगली कब्र। और इस पर कच्ची ईंटें लगाना, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र ऊंट की कोहान जैसी थी। फिर कब्र पर मट्टी डालकर सब लोग मैयत के लिए बख्शिश और साबित कदमी की दुआ मांगे। जनाजा के बाद कब्रिस्तान से निकलकर दुआ करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। कब्रों को पुख्ता बनाने की ममानत। कब्रों को ऊंचा करना, पुख्ता बनाना, उन पर गुंबद और कुब्बे बनाना हराम है। जाबिर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुख्ता कब्रें और उन पर इमारत वगैरह बनाने से मना किया। नीज आपने कब्र पर बैठने और उनकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने से भी मना फरमाया है, चाहे कोई शख्स मुजावर बन के बैठे या चिल्ला खुशी के लिए, सब नाजायज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर लिखने से भी मना फरमाया। हजरत अली बयान करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मैं हर तस्वीर मिटा दूं और हर ऊंची कब्र बराबर कर दूं। उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक गिरजे का जिक्र किया कि उसमें तस्वीरें लगी थी, यानी हबशा के इलाके में जब ये हिजरत करके गई हैं, क्योंकि अरब में तो गिरजा नहीं था। आपने फरमाया, जब इन लोगों का कोई नेक शख्स मर जाता तो वो उसकी कब्र पर मस्जिद बनाते और वहां तस्वीरें बनाते। क़यामत के दिन ये लोग अल्लाह के सामने बदतरीन मखलूक होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बीमारी मरज़ुल मौत में फरमाया, अल्लाह ताला यहूद और नसारा पर लानत करे जिन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। हजरत आयशा ने फरमाया, अगर इस बात का डर ना होता कि लोग आपकी कब्र को मस्जिद बना लेंगे तो आपकी कब्र खुली जगह में होती, इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं। और याद रखिये कि ये जो कब्र के साथ मस्जिद नबी है, ये कब्र की वजह से नहीं बनाएगी, मस्जिद पहले थी और कब्र करीब बनाएगी और फिर वसत की वजह से वो एक तरह से जैसे मस्जिद के अंदर शामिल होगी, हालांकि अब भी वो एक तरह से अलग है, एक कॉर्नर पर है, बीच में नहीं आई, सारी एक्सटेंशन पीछे की तरफ हुई, आगे नहीं हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की जियारत से मना किया था, अब तुम इनकी जियारत किया करो। एक रिवायत में है, कब्रों की जियारत मौत याद दिलाती है। शेख अल्बानी फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की जियारत करने वाली औरतों पर लानत की, मगर इसके बाद आपने इजाजत दे दी तो इसमें मर्द औरत दोनों शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी औरत के पास से गुजरे जो कब्र पर बैठी रो रही थी। आपने उसे अल्लाह से डरने और सब्र करने का हुक्म दिया। अगर औरतों का कब्रिस्तान जाना नाजायज होता तो आप उसको कब्रिस्तान आने से भी मना करते, सिर्फ रोने से नहीं बल्कि वहां बैठने से या आने से भी। हजरत आयशा अपने भाई अब्दुर्रहमान की कब्र की जियारत को गई, उनसे कहा गया, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इससे मना नहीं किया? तो हजरत आयशा ने फरमाया, पहले मना किया था फिर इजाजत दे दी थी। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जब मैं कब्रिस्तान में जाऊं तो कौन सी दुआ पढूं, और आपने दुआ सिखाई। तो इससे क्या पता चलता है कि औरत जा सकती है लेकिन कसरत से जाना मना है, वरना तो आप कहते कि तुमने जाना ही क्या है वहां, तो क्यों ये दुआ सीखती हो। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से कब्रों की जियारत करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। इससे पता चलता है कि बकसरत जियारत मना है मगर कभी कभार जाने की रुख्सत मौजूद है। वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि ज़ियारत किया करो क्योंकि ये दुनिया से बेरगबती करवाती है इंसान को और आखिरत की याद दिलाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दों को बुरा ना कहो, जो अमाल उन्होंने किए थे वो उन्हें मिल गए। हम लोग इस अदब और अखलाक से भी आ रही है, वही बैठे बैठे शुरू हो जाते हैं कि इसका चेहरा ऐसे लग रहा है, इसके होंठ ऐसे है, तो इसका नाक ऐसा है, तो इसकी
रंग ऐसा हो रहा है तो इसने पता नहीं कौन कौन सा गुनाह किया होगा। हालांकि बाजू का बाज बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से स्किन का रंग तब्दील हो जाता है। और एक बात याद रखिए कि जो शख्स ये कहता है कि लोग हलाक हो गए, वो सबसे ज्यादा हलाक होने वाला है। कोई हक नहीं किसी को कि किसी के बारे में कुछ तरह कमेंट करे, यानी किसी की तारीफ अगर नहीं कर सकते तो उसकी बुराइयों पर भी जबान न खोलो, क्योंकि वो अपने अंजाम को पहुंच गए। ज़ियारत कुबूर की दुआएं। जो शख्स कब्रों की ज़ियारत करने जाए तो वो ये दुआ पढ़े, अस्सलामु अला अहलि दियारि मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्तअखिरीन व इन्ना इंशा अल्लाह बिकुम ललाहिकून। मोमिन और मुसलमान घर वालों पर सलामती हो, हम में से आगे जाने वालों और पीछे रहने वालों पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी अनकरीब तुमसे मिलने वाले हैं। मुस्लिम ही की एक रिवायत में ये अल्फाज भी हैं, अस्अलुल्लाह लना वलकुमुल आफिया, मैं अल्लाह ताला से अपने और तुम्हारे लिए आफियत की दुआ करता हूँ। आपने सवाल ये किया था कि अगर कोई शख्स कहीं फौत हो जाए तो उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। पसंदीदा तो यही है कि जहां कोई फौत हो वहीं दफन करे, क्योंकि जमीन तो सारी अल्लाह की है। क्योंकि जाहिर है कि किसी मुर्दे को ट्रांसपोर्ट करना आसान काम नहीं, इल्ला ये कि कहीं कोई मुसलमानों का कब्रिस्तान नहीं या कोई जगह नहीं मिल रही तो दूसरी जगह ले जाके दफन कर दें, लेकिन कितना खर्च उठता है उस पर। मुझे याद है कि एक जमाना था कि जब इंग्लैंड में रहने वाले मुसलमान तकरीबन सारे मुर्दों को पाकिस्तान रवाना करते थे और उसके लिए बाकायदा फंड रेजिंग करते, चंदे इकट्ठे करते और हजारों पाउंड इस पर खर्च करते थे। मेरे ख्याल में अगर वहीं पर कब्रिस्तान का इंतजाम कर लेते, जब अपने घर उन्होंने वहां बनाए हुए हैं तो मुर्दों के लिए पाकिस्तान ही क्यों, उनको भी वहीं छोड़ दें। उसी पैसे से अगर हर कोई अपने उस मुर्दे के नाम पे एक एक स्कूल अपने गांव में बनवा देता तो कितने बच्चों की तालीम का इंतजाम हो जाता और उस मुर्दे के लिए भी सदका जारी होता। हम बाज़ुकात गैर जरूरी जगहों पर माल खर्च करते हैं, हालांकि उससे बेहतर मकामात और मौके मौजूद होते हैं जिन पर अगर थोड़ा सा गैर जज्बाती होकर सोचा जाए तो बहुत फायदा हो सकता है। जैसे अगर एक मुर्दे के ऊपर 1000 पाउंड भी खर्चा है, मुझे नहीं मालूम आजकल कितना टिकट है मुर्दे के लिए, क्योंकि वो एक सवारी का नहीं मतलब 2 या 3 के बराबर टिकट होता है, उसको वैसे भी वो लगेज में डाल के भेजते हैं, अंदर जहाज में ऊपर थोड़ी रखते हैं। तो करामत के भी खिलाफ बात बनती है ना। एक शख्स जो फौत हो चुका है, उसने जाना जमीन में ही है, वहां उस जमीन में डालने के लिए किसी और जमीन में आप उसको भेज रहे हैं और फिर उससे हासिल क्या होगा, यानी सिर्फ दूसरों की तसल्ली के लिए। और फिर उसपे कितने कितने दिन घरों में, वो तो एक खर्चा है ना कि टिकट आपको वहां से लेना पड़ेगा उसके लिए, 1000 पाउंड अगर लगता है तो आजकल 1000 पाउंड जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल 1 लाख के बराबर ही ज्यादा है, मेरे ख्याल 1,14,000 या 20 कुछ इस तरह बनेगा। अब इतने पैसों में आप किसी एक गांव में 2 कमरों का स्कूल बना सकते हैं। अच्छा, फिर इंतजार में जो वक्त गुजरता है, 8 दिन बाद मैयत आ रही है, 8 दिन घर में मजलिस कायम है, सब लोग काम काज छोड़ पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठे हो रहे हैं, और फिर उस पर जो खाने पीने का खर्च चलता है, लोग कर्जा उठा उठा के आने वालों की खातरदारी कर रहे होते हैं, वो सारा अगर मिलाया जाए तो उससे कहीं बेहतर काम हो सकते हैं। और जाने वाले के लिए दुआ करके सब्र किया जाए, क्योंकि थोड़े दिन है हमारे भी, वहीं जा बैठेंगे हम भी। तो जब हमारे सामने मकासद वाजे नहीं होते तो फिर हम अपने जज्बात, अपनी तसल्ली, अपने सुकून और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बिला जरूरत इस तरह की तकलीफ करते हैं। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाजे हदीस है कि जल्दी करो, देर ना करो, तो फिर कोई जवाज नहीं। देखिये, एक शख्स वहां से आएगा, आके बस सिर्फ शक्ल देखेगा, रोए धोएगा और खलास। आप पहले इतना अरसा कहाँ थे? आपको उस वक्त आना चाहिए था जब वो जिंदा था। अब तो एक रस्म दुनिया निभाने आ रहे हैं आप। और दूसरी बात यह है कि मोर्चरी में रख देते हैं। आपको कोई मोर्चरी देखने का इत्तफाक हुआ? मैंने देखी है। ऐसे ही जैसे फ्रीजर होते हैं, खुलते हैं और मुर्दे इस तरह अंदर रख दिए जाते हैं जैसे फ्रिज में आप कोई चीज रख रहे हैं। आप अपने लिए पसंद करेंगे कि आपको मरने के बाद फ्रीज किया जाए और आपको मरने के बाद उठा के कभी कहीं कभी कहीं, और बाजू का जब वहां से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आपको पता है कि वो सारा कुछ अंदर से निकाल लेते हैं, सब आंते वानते हर चीज, हत्ता के बाजू का ब्रेन तक को भी, और सिर्फ खोखली सी वो एक चीज होती है, हड्डियां चंद, जो इतनी दूर लाई जाती हैं। किस लिए? जमीन के किसी भी हिस्से में होंगे, उठा लिए जाएंगे वापस। ऐसी चीजों को कट डाउन करना चाहिए हमें, और थोड़ा सा अकल से काम लेना चाहिए, जज्बात से ज्यादा।